Welcome teachers, in this video we will see how to use live worksheets in Google Classroom. हम students को Google Classroom में live worksheets कैसे send कर सकते हैं इस video में देखेंगे. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम अपनी Google app को open कर लेंगे और यहाँ पर search में live worksheets टाइप करेंगे और सर्च कर लेंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका सबसे पहले liveworksheets.com आ रहा है उसी को हम ओपन कर लेंगे. तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारे सब्जेक्ट्स की लाइव जो है वर्कशीट्स आ गई हैं. लेकिन आपको जो है इसमें डायरेक्ट ऐसे लाइव वर्कशीट चूज़ नहीं करनी है. आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्युनिटी पर जाना है. यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है टीचर एक्सेस के थ्रू जो है आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है. अगर आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो आप जो वर्कशीट बच्चों को भेजेंगे वो एक पर्टिकुलर वर्कशीट नहीं जाएगी बच्चों के पास, और भी बहुत सारी वर्कशीट्स जो है उनके पास जा सकती हैं. तो सबसे पहले जो है आपको रजिस्टर करना जो है बहुत ही ज़रूरी है. तो यहाँ पर हम टीचर एक्सेस इसको जो है ओपन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे. तो यहाँ पर ये एरो जो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे पहले, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो मेरा यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर शो कर रहा है. तो जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया तो सबसे पहले वो रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे. क्योंकि मैंने रजिस्टर कर रखा है तो मैं एंटर पर क्लिक करूँगी. लेकिन अगर आपको पहले रजिस्टर करना है तो पहले हम जो है रजिस्टर पर क्लिक करेंगे. जैसे मैं रजिस्टर को क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पर आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी. यहाँ पर आपको जो है अपनी आईडी जो है वो क्रिएट करनी है. तो यहाँ पर यूज़र नेम, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि यूज़र नेम आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड. तो आपको एक न्यू यूज़र नेम यहाँ पर क्रिएट करना है. अपना एक नया यूज़र नेम बना लेंगे और यहाँ पर एक पासवर्ड डाल देंगे और रिपीट पासवर्ड. उसके बाद ईमेल, यहाँ पर आप अपनी KVS वाली जो है ईमेल, जो ईमेल आईडी है KVS RO वाली जो आईडी है वो यहाँ पर डालेंगे, और रिपीट ईमेल में भी वही KVS वाली आईडी डालेंगे. यहाँ कंट्री, और उसके बाद यहाँ से आप रजिस्टर कर देंगे. इधर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो ऑप्शनल है, उसको जो है आप फिल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो उसे छोड़ भी सकते हैं. और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रजिस्टर की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से आप जो है रजिस्टर कर लेंगे. तो इसमें जो सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात है वो ये कि आपको यूज़र नेम और पासवर्ड, जो आपकी पहले से आईडी है वो वाली नहीं लेनी है. यहाँ पर आपको नया यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो रीसेट करना है, और ईमेल में आपको KVS वाली जो आपकी आईडी मिली हुई है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. और जो KVS से बाहर जो टीचर्स हैं, KVS के टीचर्स नहीं हैं, वो अपनी जो है कोई भी पर्सनल आईडी से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं. तो देखेंगे आगे. इसके बाद जो है हम ये करने के बाद आपके पास जो है इस तरह से यूज़र नेम आ जाएगा. जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपको यहाँ पर एंटर करना है. एंटर, जैसे मैं एंटर पे क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह से एक प्रीफेस आ जाएगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको सबसे पहले जाना है इंटरेक्टिव वर्कशीट्स में. यहाँ पर दिया हुआ है मेक इंटरेक्टिव वर्कशीट्स, उसमें नहीं जाना है आपको. जो इंटरेक्टिव वर्कशीट्स दिया हुआ है उसको जो है क्लिक कर लेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स की वर्कशीट्स आपको दी हुई हैं. तो आपको जो भी सब्जेक्ट इसमें से चूज़ करना है वो सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर मैथ्स को चूज़ कर लिया, तो मैंने मैथ्स को क्लिक कर देना है. यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने मैथ्स चूज़ किया है तो मैंने मैथ्स को क्लिक कर दिया इस तरह से. तो आपके पास यहाँ पर सारे मैथ्स की जो है वर्कशीट्स आ जाएंगी, और यहाँ पर सारे टॉपिक्स आ जाएंगे. आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स आ गए. तो इसमें से आपको जो भी टॉपिक की वर्कशीट चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हो. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ फ्रैक्शंस, तो मैंने फ्रैक्शंस की जो है वर्कशीट्स ले ली. तो यहाँ पर मुझे फ्रैक्शंस की ही सारी वर्कशीट्स ग्रेड वाइज, जैसे यहाँ पर लिखा है ग्रेड 4, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेड 6 लेवल 6 ग्रेड 5, इस तरह से आपको जो है ये क्लास वाइज यहाँ पर जो है आपको सभी वर्कशीट्स यहाँ पर मिल जाएंगी फ्रैक्शंस की. तो आप इसमें से कोई भी जो है चूज़ कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, या आप यहाँ पर सर्च में ऊपर जो है सर्च इंटरेक्टिव वर्कशीट्स आ रहा है वहाँ पर भी आप अपना टॉपिक सर्च कर सकते हैं.
तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है यहाँ पर ये वाली वर्कशीट चूज़ कर ली, ठीक है, तो ये वर्कशीट मेरे पास ओपन हो जाएगी इस तरह से जब मैं उसको चूज़ कर लूँगी। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको जूम किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिंक दिखा रहा है, एक यहाँ पर एक लिंक है और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपी। तो कुछ जो टीचर्स हैं वो यहाँ से इसको डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं इस लिंक को, आपको यहाँ से डायरेक्ट कॉपी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके लिंक भेज देते हैं तो ये जितनी भी वर्कशीट्स यहाँ पर दिख रही हैं वो सारी बच्चों के पास चली जाती हैं, स्टूडेंट्स के पास चली जाती हैं। तो आप इसको यहाँ से कॉपी ना करके, तो आप देख सकते हैं कि इसकी ही साइड में यहाँ पर कस्टम लिंक की ऑप्शन आ रही है, तो आप कस्टम लिंक वाली ऑप्शन चूज़ करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। जब आप इसको क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो आपके पास एक पर्टिकुलर जो वर्कशीट आपने चूज़ की थी वही आपको शो करेगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं इसकी, जैसे सबसे पहले है चेकिंग ऑप्शंस। तो चेकिंग ऑप्शंस में जैसे आपको दिया हुआ इग्नोर पंक्चुएशन मार्क्स, तो आप इसको क्लिक कर दीजिए, इग्नोर एसेंट्स इसको चूज़ कर। यहाँ पर आप टाइम लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि बच्चा कितने टाइम में इसको करेगा, तो सेट टाइम लिमिट के लिए आप यहाँ पर जो है मिनट्स, जितने भी मिनट्स आप देना चाहते हैं, मान लो आप इसको जो है 30 मिनट्स का टाइम देना चाहते हैं या 15 मिनट्स का, तो मैंने जैसे 15 मिनट्स तो सेट टाइम मैंने यहाँ पर कर दिया। इसके बाद सेकंड बॉक्स में आ रहा है डिफ़ॉल्ट एक्शन ऑन क्लिक फिनिश, यह उन्होंने जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि बच्चा जब वर्कशीट्स कंप्लीट कर लेगा तो उसको क्या क्या फिल करना होगा। तो यहाँ पे कुछ प्रीफिल वैल्यूज़ हैं, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट नेम बच्चा जो है स्टूडेंट खुद ही फिल करेगा। ग्रेड लेवल आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे मान लो आपको फिफ्थ क्लास में देनी है तो आप यहाँ पर फिफ्थ क्लास यहाँ पर डाल सकते हैं। स्कूल सब्जेक्ट में आप जो है जैसे मैथ्स की दे रहे हैं तो मैथ्स लिख सकते हैं, नहीं तो आप क्योंकि आप कोई टॉपिक वाइज दे रहे हैं तो यहाँ पर जैसे मैंने फ्रैक्शंस की दी है तो मैंने यहाँ पर इसको, आप अगर टॉपिक लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मैथ सब्जेक्ट तो वो तो ऑलरेडी बच्चों को अंडरस्टूड है क्योंकि आप मैथ के क्लासरूम में उसको सेंड करेंगे। तो फ्रैक्शंस जैसे मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया। इसके बाद यहाँ पर ये जो है ग्रेडिंग ऑप्शंस, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेट हो रखे हैं आप इसको टच मत करिए, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। इसके बाद ये सारी जब आप सेटिंग कर लेंगे, इसके बाद आप नीचे दे सकते हैं दिस इज़ योर कस्टम लिंक, ये जो है आपका कस्टम लिंक है, मतलब ये एक पर्टिकुलर वर्कशीट का जो है लिंक है। आप इस लिंक को यहाँ से देख सकते हैं कॉपी कर लेंगे, कॉपी लिंक कर लेंगे। वैसे अगर आप इसको लैपटॉप के थ्रू भेजते हैं तो कॉपी लिंक करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा ऐड टू गूगल क्लासरूम भी इसको डायरेक्ट करेंगे तो ऐड टू गूगल क्लासरूम ये अपने आप हो जाता है। लेकिन क्योंकि मैं फ़ोन से कर रही हूँ तो हो सकता है कि इसमें ना हो, तो हम कॉपी लिंक कर लेंगे यहाँ से। जैसे मैंने यहाँ पर इसको कॉपी लिंक कर लिया, कॉपी लिंक करने के बाद आप नीचे देखेंगे यहीं पर आ रहा है ऐड टू गूगल क्लासरूम। जब मैंने कॉपी लिंक कर लिया उसके बाद मैंने यहाँ से चूज़ किया ऐड टू गूगल क्लासरूम, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आ रहे गो टू गूगल क्लासरूम, हम कर लेंगे गो टू गूगल क्लासरूम और यहाँ पर जो है ट्राई अनदर अकाउंट कर लेते हैं। यहाँ पर आपके जो भी अकाउंट्स आपने ले रखे हैं वो सारे आ जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी जो KVS वाली ID है उसको मैंने चूज़ कर ली है। आप अगर अपनी किसी पर्सनल ID से भेजना चाहते हैं तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका गूगल क्लासरूम ओपन हो जाएगा। आप यहाँ अपनी जिस भी क्लास में इसको सेंड करना है वो क्लासरूम आप चूज़ कर लेंगे। जैसे मैंने इसको फिफ्थ मैथ्स में सेंड करना है तो मैंने इसको चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद आप यहाँ पर जो क्लास वर्क की ऑप्शन है क्लास वर्क में जाएंगे। क्लास वर्क में जाने के बाद यहाँ पर जो क्रिएट की ऑप्शन आ रही है क्रिएट को करेंगे और असाइनमेंट्स में आप इसको दे सकते हैं। तो जो भी आपने टॉपिक लिखना है टॉपिक लिख सकते हैं यहाँ पर आप, और यहाँ पर ये जो है ऐड में लिंक है आपके पास, तो आपने जो कॉपी किया लिंक वो यहाँ पर जो है आप पेस्ट कर देंगे, ऐड लिंक कर देंगे। तो यहाँ पर ये और नीचे जो है पॉइंट्स की भी आप सेटिंग कर सकते हैं। जैसे पॉइंट्स मान लो आपको 10 मार्क्स का ये रखना है तो आप इसको 10 मार्क्स दे देंगे। टॉपिक जैसे आप कोई भी आपने क्योंकि लाइव वर्कशीट दी है तो आप लाइव वर्कशीट का टॉपिक यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी सेटिंग्स करने के बाद यहाँ पर जो असाइन की ऑप्शन है इसको आप असाइन कर देंगे।
असाइन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो है ये फ्रैक्शंस की वर्कशीट्स जो है वो यहाँ पर पोस्ट हो गई है। पोस्ट होने के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ओपन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी फ्रैक्शंस की जो वर्कशीट है वो यहाँ पर शो कर रहा है, फ्रैक्शंस की वर्कशीट। तो ये यहाँ पर जो है वो चली गई है, इसको आप सेव कर सकते हैं। और तो इस तरह से आपको जो है वर्कशीट सेंड करनी है। आप इसको ओपन करके देख भी सकते हैं, जैसे मैंने ये जो सेंड की है मैंने इसको ओपन किया है तो ये एक पर्टिकुलर वर्कशीट जो है वो बच्चों के पास चली गई है। तो इस तरह से आपको जो है वर्कशीट बच्चों को आप सेंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा।